नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा बरनाल थाना क्षेत्र के गांव ब्रथुआ में सबको दफनाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बरनाल थाना क्षेत्र के गाँव ब्रथुआ में मुस्लिम समुदाय के दुराब खा की पत्नी निराशन बेगम की मौत हो गई, जिसको दफनाने को लेकर कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि बरसों से अपने पुरखों को यहीं दफनाया जा रहा है, जबकि हिंदू समुदाय के लोगों ने बताया कि उक्त जमीन विद्यालय के नाम दर्ज है। चकबंदी के दौरान कब्रिस्तान के लिए गांव के बाहर 2 बीघा जमीन सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी दबंगई से मुस्लिम समुदाय के लोग यहीं पर दफन क्रिया कर रहे हैं, जिससे दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और क्षेत्रीय लेखपाल ने दोनों पक्षों को समझाया और महिला के सबको दफनाने की अनुमति दी। लेखपाल अजय कुमार ने बताया कब्रिस्तान की जगह 2 बीघा के गांव के बाहर है, तो आगे से मुर्दे को दफन क्रिया वहीं की जाए, आबादी की जगह में नहीं। कब्रिस्तान के सामने राजू, सत्यवीर, मुकेश, चंद्रपाल आदि हिंदू लोगों के मकान बने हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू लोगों को निकालने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं और उनके बने शौचालय के गड्ढे भी बंद कर दिए हैं। स्कूल में खेल के मैदान, ग्राम सभा की जमीन पर कब्रिस्तान बनाए हुए हैं, जो कि गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। आज क्या मामला हुआ है तुम्हारे गांव में? हमारे गांव में जो ग्राम सभा जगह में 74 एयर में मतलब मुर्दा लगा रहे हैं, ये मन नहीं कर रहे लोग गांव के। क्यों? और उनके दूसरी जगह कब्रिस्तान में चुका के मारे। इस संबंध में कोई आप लेखपाल साहब, आज क्या मामला हुआ है? जो मामला ऐसा हुआ कि ये जितने ग्राम सभा है 50 बीघों में 4 हेक्टेयर में बसी हुई है, जो कि 72 एयर का एक टुकड़ा बचा हुआ है आबादी का। इन्होंने पुराने कब्र है, मैंने बताते हैं इन लोगों 15-20 साल से पुराने कब्र है, हमारा यहीं मिट्टी लगती थी, तो चकबंदी वाले ने 2 बीघा अलग भी दे दिया इन लोगों को, और यहाँ भी इनको पुरानी थी, यही मामला है। तो आज जो पुलिस भी आई है, आप लोग भी आए हैं? तो पुलिस वाले आए हैं, हम भी आए हैं, एसओ साहब भी आए हैं। तो ये किस सूचना पर आप आए? गाँव के कुछ लोगों ने व्यक्तिगत संबंध से फ़ोन किया हमको, हम कहे कि आप थाने चले जाओ, ऐसे आपको सूचना दो, तब हम आए। तब हम थाने गए। कोई लिखित कोई तहरीर दी गई? लिखित तहरीर दिए थे इन लोग, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र रामजी मिजाजी लाल निवासी बिथुआ दिए थे, उसी के संबंध में आए हुए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुन्ने खान। यहाँ जो है क्या मामला हुआ है जो इतनी भीड़ लगी हुई है? अरे यहाँ पर आज सर जो है एक हमारी आंटी जो ख़त्म हो गई, तो इन लोगों ने जो है सुबह कोई बिना सूचना के, हम लोगों को मालूम ही नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पुलिस आ गई सर। पुलिस आ गई तो लेखपाल वगैरह भी आए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर क्या लफड़ा है आपका? कमली सर आया, हमको बुलाया गया तो मैंने ये कहा कि हमने देखिए सर, हमारा सीओ जो है चकबंदी मैनपुरी मुकदमा चल रहा है, जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक हम आपको कुछ करने नहीं देंगे। सर एक ब्रथुआ गाँव में कोई मामला हुआ है, क्या मामला है? ग्राम ब्रथुआ पड़ता है थाना बरनाल में, यहाँ पर एक दोनों संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी हैं। एक मुस्लिम महिला की मृत्यु हो गई है, उनके घर के सामने पहले से ही कब्रिस्तान है, मजारा लगी हुई है, किंतु चकबंदी जब हुई थी उसके उपलक्ष्य में जो है उन्होंने चकबंदी विभाग ने कब्रिस्तान की जगह दूर एक निश्चित जगह दी गई है। इन लोगों हिंदू लोगों का कहना था जहाँ कब्रिस्तान स्थित है वहीं लगाया जाए, किंतु अभी कब्र वगैरह खुद चुकी है, आपसी सामंजस्य दोनों संप्रदायों में बात करके यही दाह संस्कार कराया जा रहा है।